अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान, जिना का तस्वूर पाकिस्तान। और इस लेसन के आप लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। नंबर वन एमसीक्यूज़ हमारे पास कौन सा है? और फ्रेंड्स, यहाँ पर हर एमसीक्यूज़ में जो राइट ऑप्शन है वो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इस तरह से हाईलाइट कर दिया है ताकि जब आप लोग पेपर की प्रिपरेशन करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर वन है हमारे पास, हु वॉज एड्रेस्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दस्तूर साज असेंबली से किसने ख़ताब किया था? तो राइट ऑप्शन इसमें आएगा बी, कायदे आज़म ने, कि कायदे आज़म ने ख़ताब किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन डिड मिस्टर जिना एड्रेस्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, के आखिर कब उन्होंने किया था, कौन सी डेट थी? तो राइट ऑप्शन आएगा इसमें सी, 11 अगस्त, 11 अगस्त को किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन विच ईयर डिड मिस्टर जिना एड्रेस्ड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन से साल मोहम्मद अली जिना ने दस्तूर साज असेंबली से ख़ताब किया था? तो राइट ऑप्शन इसमें आएगा सी, 1947, जिस साल पाकिस्तान जो है कायम हुआ था। नेक्स्ट है अब हमारे पास नंबर फोर, मिस्टर जिना सीम्ड टू एडवोकेट द आइडियालॉजी ऑफ डैश, के मिस्टर जिना जो हैं वो हमें नज़र आते थे एडवोकेट वकालत करते हुए नज़रिए की, किसकी आइडियोलॉजी की, तो किसके नज़रिए की वकालत करते हुए नज़र आते थे? राइट ऑप्शन इसमें आएगा बी, पाकिस्तान के, पाकिस्तान के नज़रिए की वकालत करते हुए हमें नज़र आते थे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर फाइव, हु वॉज़ द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? तो राइट ऑप्शन इसमें आएगा ए, मिस्टर जिना, मिस्टर जिना थे। नेक्स्ट है नंबर सिक्स, मिस्टर जिना सेड, मिस्टर जिना ने कहा था, वी शैल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डैश टू द वर्ल्ड, कि हम जो है ना इस दस्तूर साज असेंबली को बना देंगे दुनिया के लिए, क्या बना देंगे? तो राइट ऑप्शन आएगा इसमें बी, एग्जांपल, कि इस असेंबली को हम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ गॉट डैश मेन फंक्शन टू परफॉर्म, अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि इस दस्तूर साज असेंबली को दो अहम काम अदा करने हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें आएगा बी, टू। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर एट, द फर्स्ट टास्क टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, के पहला जो काम है दस्तूर साज असेंबली का वो क्या था? नंबर ए, फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, के मुस्तकबिल के लिए जो है आइन साजी करनी थी दस्तूर साज असेंबली ने। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर नाइन, द सेकेंड टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, के दूसरा अहम काम जो दस्तूर साज असेंबली ने करना था वो क्या था? तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा ए, कंप्लीट सोवरेन बॉडी एज फेडरल लेजिस्लेशन, के मुकम्मल तौर पर जो है आज़ाद या ख़ुद मुख्तार कानून साज इदारा वफाकी तौर पर उन्हें जो है कायम करना था। नेक्स्ट है अब हमारे पास नंबर टेन, वी हैव टू डू द बेस्ट इन अडॉप्टिंग अ डैश कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान, कि हम जो है अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे किसमें, इन अडॉप्टिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान, के पाकिस्तान के जो सूबाई आइन है उसको बनाने में भी, उसको अडॉप्ट करने में भी हम अपनी बेस्ट जो है ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है 11, पाकिस्तान हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड, देयर इज़ नो डैश इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही बेनज़ीर है, बेमिसाल है, देयर इज़ नो, राइट ऑप्शन आएगा ए, पैरेलल, कि इसकी कोई मिसाल नहीं है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तारीख में। नेक्स्ट है अब हमारे पास, यू आर नाउ अ सोवरेन डैश बॉडी, कि अब तुम जो हो खुद मुख्तार क्या हो, राइट ऑप्शन इसमें आएगा ए, लेजिस्लेटिव, कि तुम अब एक आज़ाद खुद मुख्तार कानून साज इदारा हो। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 13, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन डैश, कि पहला काम जो गवर्नमेंट का या हुकूमत का होता है वो मेंटेन, कायम रखना होता है, क्या चीज़? सी, राइट ऑप्शन आएगा लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि नज़्म व ज़ब्त उस इलाके का कायम रखना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज़ सफरिंग, के सबसे बदतरीन जो उन्होंने कहा था कर्सेस लानते हैं जिसमें इंडिया अभी भी मुब्तला है वो कौन सी हैं? तो राइट ऑप्शन इसमें आएगा डी, ए एंड सी, अपनी स्पीच में कायदे आज़म ने कहा था करप्शन एंड ब्राइबरी, के बदउनवानी और रिश्वत, ये दो ऐसी लानत है जिसमें इंडिया अभी भी मुब्तला है, तो इसलिए हम इस पर करेंगे डी को, ए एंड सी को। नेक्स्ट है हमारे पास
नंबर 15, डैश इज़ रियली अ पॉइजन फॉर द कंट्री, कि क्या चीज़ वाकई ही में जहर है इस मुल्क के लिए। तो राइट ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज से मुराद है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा, कि करप्शन, ब्राइबरी, नेपोटिज्म, ये सब कुछ जो है हमारी कंट्री के लिए पॉइजन है। नेक्स्ट है 16, मैनी अदर थिंग्स द थिंग अराइव्ड अस विद ग्रेट इवल, द इवल इज़ डैश, कि बहुत सी दूसरी चीज़ों के साथ जो चीज़ हम तक पहुँची है एक बड़ी बुराइयों के साथ, वो बुराई है डी, जॉबरी, कि बेईमानी की जो बुराई है वो भी हम तक पहुँची है। नेक्स्ट है, देयर आर पीपल हु डू नॉट क्वाइट डैश विद डिविजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कि यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल भी क्या नहीं है। राइट ऑप्शन आएगा बी, एग्री। एग्री होता है मुत्तफिक होना, जो बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है इस बरे सगीर की तकसीम की वजह से, यानी कि एग्री रजामंद नहीं है, राजी नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 18, देयर आर डैश कम्युनिटीज़ इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में कितनी कम्युनिटीज़ हैं, कितने जो हैं फ़िरके हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें आएगा हमारे पास बी, टू, के दो जो हैं फ़िरके आप कह लें हैं। नेक्स्ट है, वन कम्युनिटी इज़ डैश, के पहला जो फ़िरका है वो किसका है। राइट ऑप्शन आएगा इसमें ए, मेजॉरिटी, के पहला फ़िरका जो है वो है मेजॉरिटी का, यानी कि अक्सरियत का। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 20, दी अदर कम्युनिटी इज़ डैश, के दूसरा फ़िरका जो है वो किसका है। नंबर बी, माइनॉरिटी, के अक्लियतों का है। नेक्स्ट है, इफ़ वी वॉन्ट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोस्पेरियस, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो अजीम रियासत है ये तरक्की करे, वो शुड होली एंड सोली कॉन्सनट्रेट ऑन द वेलबीइंग ऑफ द डैश, तो हमें मुकम्मल तौर पर तवज्जो देनी चाहिए किस पर। वेलबीइंग होता है फलाह बहबूद के लिए, किसके। राइट ऑप्शन आएगा इसमें सी, पुअर, तो हमें गरीबों की फलाह बहबूद पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। नेक्स्ट MCQs है नंबर 22, If you will work in cooperation, you are bound to dash, के अगर आप ताउन से मिलजुल कर काम करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। राइट ऑप्शन आएगा इसमें बी, सक्सीड। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर विल बी नो डैश टू द प्रोग्रेस यू विल मेक, के देयर विल बी नो, इसमें राइट ऑप्शन आएगा सी, एंड। देयर विल बी नो एंड, कि इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा, टू द प्रोग्रेस, उस तरक्की का यू विल मेक जो आप करेंगे। तो ये आपने इसी लाइन में कही थी कि अगर आप मिलजुल कर काम करेंगे तो ऐसी तरक्की करेंगे जिसकी कोई जो है हदूद नहीं होगी। नेक्स्ट है 24, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ डैश, तो राइट ऑप्शन इसमें आएगा बी, पाकिस्तान, के आप बिल्कुल आज़ाद हैं टू गो टू योर मॉस्क, अपनी मस्जिद में जाने के लिए और किसी भी दूसरी जगह इबादत जहां आप करते हैं, पाकिस्तान की रियासत में रहते हुए आप कहीं भी जाने की आपको मजहबी तौर पर आज़ादी है। नेक्स्ट है हमारे पास 25, मिस्टर जिना सेड आई शेल ऑलवेज बी गाइडेड बाई द प्रिंसिपल्स ऑफ डैश, कि हमेशा ये जो चीज़ें हैं ना, मेरी ये उसूल मेरी रहनुमाई करेंगे, और वो कौन से उसूल हैं। इसमें राइट ऑप्शन आएगा ए, जस्टिस एंड फेयर प्ले, के इंसाफ और फेयर प्ले होता है बिल्कुल ठीक इस्लाम के उसूलों पर काम करना, सीधा काम करना, सीधे रास्ते पर चलना। इसके बहुत ज़्यादा मीनिंग आते हैं, इसमें इंसाफ भी आ जाता है, ईमानदारी भी आ जाती है। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो इंसाफ है और ईमानदारी है, ये दो प्रिंसिपल्स जो हैं हमेशा मेरी रहनुमाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट MCQs, मिस्टर जिना सेड आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द डैश नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं देख सकता हूँ पाकिस्तान को बनते हुए क्या। राइट ऑप्शन आएगा बी, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि इस दुनिया की जो अजीम कौमें हैं उनमें से एक कौम बनता हुआ मैं देख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जिनाज विजन के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है।